हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि जैसे चश्मा हटाने के ऑपरेशंस, मैंने आपको कई सारे नाम बताए हैं। इसमें मैंने आपको PRK का नाम बताया, एपी कॉन्ट्यूरा का नाम बताया, लेसिक का नाम बताया, कॉन्ट्यूरा का नाम बताया, स्माइल का नाम बताया, क्लियर का नाम बताया, स्मार्ट साइट का नाम बताया, सिल्क जो सबसे लेटेस्ट आई है उसका नाम बताया। हम लोग कैसे चूज करते हैं कि किस पेशेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर बढ़िया रहेगा या सेफ रहेगा। हालांकि ये डिसीजन बनाया जाता है आपकी सारी रिपोर्ट्स को देख के, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि ये डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको ICL के बारे में बताया था, RLE के बारे में बताया था, ये भी लेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। तो कब हम लेजर वाली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कब हम लेंस वाली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जब हम लेजर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं तो कौन सा लेजर यूज होगा, जब हम लेंस टेक्नोलॉजी से ठीक कर रहे हैं चश्मा तो कौन सा लेजर यूज होगा, ये सारा कुछ आज के वीडियो में समझाने वाला हूं। लेकिन स्टार्टिंग हम लोग दोबारा अपने चार्ट से करेंगे। अगर आप चश्मा हटवाना चाहते हैं 2023 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है और ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्विकली मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, चश्मा हटाने के दो तरीके हैं। एक लेजर वाला तरीका है जहां पे लेजर ऑपरेशन से चश्मा हटाया जाता है। यह भी मैंने आपको बताया है तीन तरह से हो सकता है, और ये सारे लेजर ऑपरेशन इस जगह पर करे जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं काली पुतली। तो अब अगर लेजर मैंने काली पुतली में डायरेक्ट डाल दिया तो ये सरफेस लेजर प्रोसीजर्स हैं, जिसमें मैंने आपको PRK का बताया था और फिर मैंने आपको लेटेस्ट इसमें बताया था एपी कॉन्ट्यूरा, या कुछ लोग एपी कॉन्ट्यूरा को स्ट्रीमलाइट के नाम से भी जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम डायरेक्ट लेजर ना डालें, एक पतला सा फ्लैप बना लें कॉर्निया में, उसको उठा लिया, लेजर डाला और उस फ्लैप को वापस रख दिया, तो ये प्रोसीजर लेसिक बन जाता है और इसका एडवांस वर्जन है कॉन्ट्यूरा विजन। ऐसी फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम फ्लैप ना बनाएं, पुतली में डायरेक्ट लेजर डाला और अंदर ही अंदर एक लेंटिक्यूल बना के उसको साइड से निकाल दिया, तो इसमें जो प्रोसीजर आया था पहले उसका नाम था स्माइल, बहुत पॉपुलर हुआ। साथ ही साथ दो प्रोसीजर्स और आए थे, क्लियर एंड स्मार्ट साइट, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए क्योंकि USFDA से सेफ्टी अप्रूवल नहीं था। एंड स्माइल के बाद जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आ गई है उसका नाम है सिल्क। ऐसे ही लेंस वाले प्रोसीजर्स में मैंने आपको समझाया था कि दो तरह के प्रोसीजर्स हो सकते हैं, एक ICL करके प्रोसीजर है, एक RLE करके प्रोसीजर है। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब एक पेशेंट अपना चश्मा हटवाने आता है तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन अच्छा रहेगा या सूटेबल रहेगा। ब्रॉडली बता रहा हूं, फाइनल डिसीजन रिपोर्ट्स को देख के लिया जाता है, लेकिन मोटा मोटा सिस्टम हमारा इस तरह से ही चलता है। देखिए, अगर आपके चश्मे का नंबर 8 से कम है तो यूजुअली हम लोग लेजर वाली टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं या प्रेफर करते हैं, और अगर आपका नंबर 8 से ऊपर है तो यूजुअली हम लोग लेंस वाली टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सारे लेजर वाले जो ऑपरेशंस हैं ये काली पुतली पर काम करते हैं, इस जगह पर काम करते हैं आंख की, और जैसा मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि जब हम लेजर से काली पुतली पर चश्मा हटाते हैं तो हम काली पुतली की जो मोटाई है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, या काली पुतली की मोटाई को पतला करते हैं और नंबर को ठीक कर देते हैं। तो अगर काली पुतली की मोटाई बहुत अच्छी नहीं है या पुतली की मोटाई कम है, पतली है, तो ज्यादा पतली अगर पुतली है तो भी आपके केस में लेंस वाला ऑपरेशन करा जाएगा, क्योंकि अगर ये पुतली ज्यादा पतली है तो मैं लेजर डाल के इसको और पतला नहीं कर सकता, वो खराब हो जाती है। तो किसी इंसान की आंख का नंबर 8 से ऊपर है तो लेंस वाला ऑपरेशन होगा,
उतली की मोटाई कम है तो लेंस वाला ऑपरेशन होगा। ऐसे ही सारे लेजर ऑपरेशंस आंखों में ड्राइनेस बनाते हैं या सूखापन बनाते हैं, ये लेजर का एक साइड इफेक्ट होता है। तो अगर आपकी आंख में पहले से ही सूखापन है, फिर हम आपको और ड्राई नहीं करना चाहते हैं लेजर्स के साथ। सो प्री एग्जिस्टिंग पेशेंट जिनकी आंख में ड्राइनेस की प्रॉब्लम पहले से ही है, उन पेशेंट्स में भी ICL या लेंस वाला ऑपरेशन यूज करा जाएगा। और ऐसे ही पेशेंट जिनकी आंख में केराटोकोनस की प्रॉब्लम है, जहां पे ये जो पुतली है ये चोंच बन के बाहर निकल जाती है, उन पेशेंट्स में भी लेंस वाला प्रोसीजर यूज करा जाएगा। तो लेंस वाले प्रोसीजर्स की मैंने आपको इंडिकेशन बता दी, अगर हाई नंबर है तो लेंस वाला है, थिन कॉर्निया है पुतली की मोटाई कम है तो लेंस वाला होगा, ड्राई आईज है तो लेंस वाला होगा, केराटोकोनस है तो लेंस वाला ऑपरेशन होगा, या और ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पे हम आपका लेजर नहीं कर सकते, उस कंडीशन में लेंस वाला ऑपरेशन करा जाएगा। लेंस वाले ऑपरेशन में भी, जैसे मैं लिख देता हूं अदर कंडीशंस, कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पे लेजर से ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेंस वाला अडॉप्ट किया जाएगा। लेंस में भी जैसे मैंने आपको बताया है दो तरीके हैं, एक ICL वाला ऑपरेशन है, एक RLE वाला ऑपरेशन है। ICL क्या चीज होती है? ICL एक पतला सा लेंस है जिसमें चश्मे की पावर होती है। इस लेंस को हम आंख में डाल देते हैं। तो एक तरह से हमने क्या करा, चश्मे की पावर का लेंस है, इसको आंख में डाल दिया, सारी पावर आंख के अंदर आ गई और बाहर से चश्मा नहीं पहनना। लेकिन ICL का एडवांटेज लेने के लिए आंखों के अंदर ICL को डालने की जगह होनी चाहिए, और ये जो जगह है ये 2.8 मिलीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। तो मान लीजिए जगह आपकी 2.8 मिलीमीटर से कम है तो ICL ऑपरेशन हम आपका नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में RLE से ठीक करा जाएगा। RLE क्या होता है कि हमारी आंख में एक कुदरती लेंस है, इस लेंस को हम निकाल लेते हैं और इसकी जगह पर एक ऐसा लेंस डालते हैं जिसमें कुदरती लेंस और चश्मा दोनों की पावर एक ही में होती है। तो इसमें भी एक तरह से सारी पावर आंख के अंदर आ गई और बाहर से आपको चश्मा नहीं पहनना। तो इतना तो हमने समझना है ये सारे लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स के लिए। अब समझते हैं कि लेजर में कैसे डिसाइड होता है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हमारे पास सिल्क टेक्नोलॉजी नहीं आई थी और अभी तक जो पॉपुलर लेजर था फ्लैपलेस वाला वो था स्माइल। लेकिन स्माइल में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती जितना कॉन्ट्यूरा में आती है। तो ऑल्दो स्माइल अवेलेबल है लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स कॉन्ट्यूरा कराते हैं, क्योंकि कॉन्ट्यूरा में जो विजन की क्वालिटी आती है वो स्माइल या क्लियर स्मार्ट साइट इन सब में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अब सिल्क आ गया है और सिल्क भी बहुत बढ़िया क्वालिटी 6.5 सुपरविजन दे रहा है एंड कॉन्ट्यूरा भी 6.5 सुपरविजन दे रहा है। तो अब हमारा थोड़ा सा डिसीजन चेंज हो जाता है यहाँ पे। अब हमारा क्या रहता है कि जब पेशेंट चश्मा हटाने के लिए आया और पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं लेजर करने के लिए, तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस उस पेशेंट के लिए है फ्लैप लेस प्रोसीजर विच इज बाय द नेम ऑफ सिल्क। तो फर्स्ट प्रेफरेंस अब हमारी सिल्क हो गई है। लेकिन जब उस पेशेंट को हमने चेक करा और हमें ऐसा लगा कि आंख में या कॉर्निया में इररेगुलरिटीज या हायर ऑर्डर अब्रेजंस ये ज्यादा हैं, तो हम सिल्क की जगह कॉन्ट्यूरा को प्रेफर करेंगे। अब पहले मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है। देखिए ये जो ऑपरेशन है ये इस जगह पर हो रहा है जिसको कहते हैं काली पुतली। अब आप इस काली पुतली को बहुत ज्यादा मैग्निफाई करके देखें, बहुत ज्यादा जूम करके देखें, तो हमें ये रियलाइज होगा कि हमारी काली पुतली जो है ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है। इस काली पुतली में इररेगुलरिटीज है। मान लीजिए अर्थ की सरफेस को ऊपर से देखते हैं तो हमें दिखेगा कि अर्थ में पहाड़ भी हैं, वैलीज भी हैं, नदियां भी हैं, ऊपर खाबड़ सरफेस है, इसको टोपोग्राफी कहते हैं। तो जो कॉर्निया होता है ये वाला हिस्सा जहां पे लेजर करा जाता है, हर इंसान के कॉर्निया में ये इररेगुलरिटीज या हायर ऑर्डर अब्रेजंस होती हैं, जिसको हम एक टेस्ट जिसको टोपोग्राफी टेस्ट कहते हैं उससे पता कर लेते हैं। तो अगर ये इररेगुलरिटीज ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इररेगुलरिटीज है,
तो कंटूरा में हम इन इररेगुलरिटीज को ठीक करके विजन की क्वालिटी और अच्छी दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इररेगुलरिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, मिनिमल इररेगुलरिटीज है, तो जबरदस्ती फिर हम कंटूरा से उन इररेगुलरिटीज को ठीक नहीं करना चाहते। फिर हम चाहते हैं कि आपका फ्लैप लेस प्रोसीजर करा जाए, जो सिल्क से हम आपको बहुत हाई क्वालिटी 6.5 विजन दे सकते हैं। तो सिल्क और कंटूरा में डिफरेंस क्या होगा, दोबारा बता रहा हूं, अगर पुतली में इररेगुलरिटी ज्यादा है तो हमारी प्रेफरेंस कंटूरा हो गई, और अगर पुतली में इररेगुलरिटी बहुत ज्यादा नहीं है जो विजन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगी तो हम आपका सिल्क प्रोसीजर से चश्मा हटाएंगे। अच्छा, इन सब की डिस्कशन में एक एपी कंटूरा प्रोसीजर भी है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में कोई दर्द इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, पट्टी, टच, कट, फ्लैप कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लेजर डालना है। तो सुनने में तो एपी कंटूरा बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन एपी कंटूरा की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है कि ये प्रोसीजर 5 नंबर तक ही करा जा सकता है, जबकि बाकी प्रोसीजर्स हम यूजुअली 8 तक कर देते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि 5 से ऊपर जब हम PRK या एपी कंटूरा करते हैं तो पुतली में थोड़ा सा हेज बन सकता है। हेज का मतलब पुतली जो है वो थोड़ी क्लाउडी हो सकती है, ये एक साइड इफेक्ट होता है इसका। तो एपी कंटूरा 5 तक ही करा जाता है, एंड मेनली एपी कंटूरा उन लोगों में चूज करा जाएगा जिनकी पुतली की मोटाई जो है ये कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो अगर ये पुतली की मोटाई बहुत ज्यादा कम हो गई तो हम आपका ICL या RL ही चूज करेंगे, लेकिन अगर ये मोटाई कम है लेकिन थोड़ी सी कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, तो फिर हम एपी कंटूरा प्रोसीजर को चूज कर सकते हैं। तो एपी कंटूरा प्रोसीजर मेनली उन लोगों के लिए होता है जिनका कॉर्निया पतला होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पतला नहीं, थोड़ा सा पतला है अगर कॉर्निया तो एपी कंटूरा और ज्यादा सेफ हो जाता है। फिर कुछ लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हम एपी कंटूरा मेडिकल्स के लिए कराएं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे हो गया, SSC, JD, CPO, पुलिस के हो गए, मेडिकल्स, PSC हो गए, सेल हो गया, कोल हो गया, इन सब के मेडिकल्स में क्या रहता है। देखिए, कुछ मेडिकल्स तो ये प्रोसीजर्स अलाउ करते हैं, तो वो तो हम आपके जब गाइडलाइंस पढ़ते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि आपके जो प्रोफेशन है या जिस मेडिकल को क्लियर करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है। तो एक तो हम गाइडलाइंस से डिसाइड कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आंख में बिल्कुल भी निशान नहीं चाहिए, ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि जो चेक भी हो जाए तो पकड़ में ना आए। तो एपी कंटूरा का एक ये फायदा थोड़ा सा और हो जाता है कि ये एक तरह से अनडिटेक्टेबल है, स्लिट लैम्प टेस्ट वगैरह में पकड़ना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि कंटूरा में एक फ्लैप बनता है वो स्लिट लैम्प पे दिख सकता है, एंड सिल्क में भी एक हल्का सा निशान आता है जो स्लिट लैम्प पे दिख सकता है। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बहुत ही ब्रॉडली मैंने आपको बताया है, फाइनली आपकी आंख में कौन सा ऑपरेशन होगा, कौन सा ऑपरेशन आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा, सबसे ज्यादा सेफ रहेगा, और आपके मेडिकल को कैसे क्लियर कराया जाएगा, ये आपका जो ऑपरेटिंग डॉक्टर है वो आपको बताएगा। तो बेसिकली इसमें हमारी रिकमेंडेशन ये रहती है कि क्योंकि इतने सारे प्रोसीजर्स हैं और एक अनबाइस्ड ओपिनियन के लिए आपको यूजुअली एक ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां पे सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो, जैसे हमारे I7 में सब कुछ अवेलेबल है, A to Z टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो जब हम चेकअप करते हैं तो हम एक प्रॉपर उनसे डिस्कस करके इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पे कभी कभार हो सकता है बायस का कंपोनेंट आ जाए। अच्छा, कुछ लोग मेरे से ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमने कहीं पे सुना है कि ये जो क्लियर टेक्नोलॉजी है इसमें एनर्जी कम यूज होती है सिल्क के मुकाबले। देखिए, ये भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, क्लियर की जो स्पॉट की एनर्जी है ये करीब लेस देन 100 नैनो जूल्स, ये डॉक्यूमेंटेड है, और सिल्क की जो एनर्जी है ये करीब 40 नैनो जूल्स है। तो एक तो थोड़ा सा स्पॉट साइज की एनर्जी में फर्क है, साथ ही साथ जब इस पे रिसर्च हो रही है तो ऐसा दिख रहा है कि क्लियर में जो क्यूमुलेटिव एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी यूज हो रही है ऑपरेशन करने में या लेंटिक्यूल बनाने में, वो क्लियर में सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम एनर्जी क्लियर में यूज हो रही है, और हम लोग काम करना चाहते हैं मिनिमल एनर्जी पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लियर की ये आ रही थी कि एनर्जी बहुत ज्यादा है उसमें। क्यों एनर्जी ज्यादा है, एक तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया, दूसरा क्लियर में जो लेजर स्पॉट्स होते हैं ना वो एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, ओवरलैपिंग स्पॉट्स हैं,
तो इससे ज्यादा एनर्जी यूज होती है सेम काम करने के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर साहब फिर 1, 2, 3, 4 में से मिनिमल एनर्जी किस में है? तो मिनिमम एनर्जी तो वैसे स्माइल में है, सबसे कम एनर्जी स्माइल में यूज होती है पूरा प्रोसीजर पूरा ऑपरेशन करने में। लेकिन स्माइल की एक बहुत बड़ी खामी है कि स्माइल के जो लेजर्स हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, 4-4 माइक्रॉन्स का ये गैप दे देते हैं। तो लेजर सिर्फ इसी जगह पर काम कर रहा है, इस जगह पर लेजर काम नहीं करता। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि डाइसेक्शन बहुत अटक अटक के होती है, बहुत रफ डाइसेक्शन है जिससे आंखों में सूजन बहुत बनती है और विजन की क्वालिटी भी नहीं आती। तो ऑल्दो स्माइल में एनर्जी कम है लेकिन क्वालिटी खराब हो जाती है। साथ ही साथ स्माइल में क्योंकि विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट नहीं है और साइक्लोटॉर्शन नहीं है तो भी स्माइल के रिजल्ट जो है इतने अच्छे नहीं आते। तो इसीलिए जो सिल्क है ये एक तरह से बैलेंस्ड है। स्माइल क्लियर एसेस में जो भी खामियां थी उस सबको सिल्क ने अब पूरा करा है। क्या क्या खामियां पूरी करी? पहले तो ना इन्होंने गैप वाले शॉट बनाए ना इन्होंने ओवरलैपिंग शॉट बनाए। जो सिल्क है उसमें ब्रिज फ्री शॉट्स हैं, मतलब एक लेजर शॉट आया फिर उससे जुड़ता हुआ दूसरा आया फिर उससे जुड़ता हुआ तीसरा आया उससे जुड़ता हुआ चौथा आया। तो इसमें कहीं भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो मिनिमल एनर्जी फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट इज बीइंग यूज्ड इन सिल्क। तो एक तो इन चारों टेक्नोलॉजीज में कुछ लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब एडवांसमेंट क्या आया है, तो मैंने पहले बता दिया आपको कि भाई सारी जो प्रॉब्लम्स थी विजुअल एक्सेस साइक्लोटॉर्शन ट्रीटमेंट ये सब कुछ सिल्क में आ गया। ये जो स्पॉट की प्रॉब्लम थी स्माइल में क्लियर में ये भी सिल्क ने कवर कर लिया। और सिल्क में एक और नई एडवांसमेंट आई है जिसको कहते हैं बाय कन्वेक्स लेंटिक्यूल। एक स्पेशल तरह का लेंटिक्यूल बनता है जिसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूँ कि उससे क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। क्वालिटी ऑफ विजन बेटर है, रिकवरी फास्टर है, डेप्थ ऑफ फोकस बेटर है, ड्राई आइज कम है। तो ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, वो वीडियो देख के आप इनमें क्या डिफरेंसेज हैं ये समझ सकते हैं। एंड इस वीडियो से मैंने आपको ये समझाया है कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसीजर पेशेंट के लिए चूज करा जाए। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे हम लोग ब्रॉडली डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए। बट ऑफकोर्स फाइनल टेस्ट करके आपका डॉक्टर आपको और डिटेल में समझा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।